प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव एक बार फिर आमने सामने हुए हैं और इस बार जहां दोनों आमने सामने हुए हैं ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था बल्कि एक वैवाहिक कार्यक्रम था जो यूपी के जिला फिरोजाबाद में हुआ और दोनों ने शिरकत की। चाचा भतीजे की जोड़ी को एक बार फिर आमने सामने देख मीडिया ने मौका गंवाए बिना अपने सवाल दागना शुरू कर दिए। फिर क्या था, चाचा शिवपाल ने बिना देरी किए अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया कि उनको ना सम्मान मिला ना ही वो पद मिला जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की। बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी की बी पार्टी कहते हैं और इस पर शिवपाल ने कहा है कि अखिलेश मोर्चा बनाए वो क्यों डर रहे हैं, पार्टी में शामिल करें, चुनाव लड़ेंगे उनके साथ, शर्त है कि पार्टी का नाम प्रगतिशील समाजवादी होगा और उसमें 50% शेयर भी चाहिए। और इस बात से एक बार फिर साबित हो गया है कि शिवपाल चाहते हैं कि वो किसी ना किसी बहाने सपा में एक बार फिर आए या फिर अपनी ही पार्टी में अपने कुनबे को एक बार फिर से इन्वॉल्व करें। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।